चीज खाने के शौकीन हो जाएं सावधान, ग्राहकों को बेची जा रही खराब चीज। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अगर आप पैकेट बंद सामानों का उपयोग करते हैं तो जरा संभल जाइए, मार्केट में बेचे जा रहे हैं नए पैकेट में खराब प्रोडक्ट। मामला भोपाल के आसिमा माल के जियो मार्ट से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक ग्राहक को खराब चीज दे दी गई और वापस करने जाने पर वापस भी नहीं किया गया। वहीं जब ग्राहक ने कंपनी को मेल किया तो कंपनी की तरफ से भी कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आपको बता दें कि भोपाल के होशंगाबाद रोड की तरफ रहने वाले कुलभूषण सिंह बताते हैं कि उन्होंने बीते दिनों आसिमा माल स्थित जियो मार्ट से गो चीज ब्रांड की 200 ग्राम का चीज का पैकेट लिया। बाहर से देखने पर तो पैकेट नया लग रहा था तथा एक्सपायर भी नहीं था, लेकिन जब घर जाकर के उन्होंने अपने बच्चे को देने के लिए चीज के पैकेट को खोला तो उनके होश उड़ गए। बाहर से बिल्कुल नए दिखने वाले पैक के भीतर चीज में फफूंद लगी हुई थी। जागरूक ग्राहक होने के नाते उन्होंने जियो मार्ट से संपर्क किया, लेकिन स्टोर से कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को ईमेल किया, जिसका कोई भी जवाब कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया। कोई और ग्राहक इस तरह खराब सामग्री लेकर खुद को ठगा महसूस ना करे, इसलिए उन्होंने कुछ लोकल न्यूज से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी के तहत उन्होंने द खबरदार न्यूज के फाउंडर विजय मिश्रा से बात कर अपनी आप बीती सुनाई और कई अहम सवाल उठाए, जैसे बिना एक्सपायर हुए कोई खाद्य सामग्री खराब कैसे हो सकती है, आखिर कंपनी और स्टोर का सामान बेचने के बाद ग्राहकों के प्रति इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों है, क्या हमें एक्सपायरी डेट चेंज करके चीजें बेच स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्टोर की नियमित तौर पर खाद्य विभाग द्वारा निगरानी क्यों नहीं की जा रही, और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग इतने बेखौफ क्यों हैं, आखिर कब होगी कार्रवाई। रिपोर्ट में देखें और क्या कुछ कहा कुलभूषण सिंह ने। इस न्यूज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपना नाम बताइए एक बार। मैं कुलभूषण सिंह, भोपाल से। अच्छा, भोपाल में आप होशंगाबाद रोड में रहते हैं? जी, मैं आसिमा मॉल के पास में रहता हूँ, जहाँ इनका जियो मार्ट है। मैं 10 बजे वहां से सामान लेके निकला था, तो उसके बाद तो मार्ट बंद हो गया। फिर रात में मैंने तो जो कंपनी का मेल है जियो मार्ट का, उस पे मेल किया। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऐसा खराब निकला है, बट उसके बाद भी इनका संतोष पूर्वक जवाब नहीं। क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने ये बोला था कि आप समस्या जल्द हल कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपने फॉलो अप किया क्या उन लोगों से? फॉलो अप मेल, एक मेल और डाला था मैंने, बट स्टिल उसका भी कोई जवाब नहीं आया उनका। ओके, और ये कब की बात है, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। अच्छा, तो उन लोगों ने आपको वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करने का भी ऑफर नहीं दिया कि ठीक है ये खराब है तो हम आपको दूसरा दे देते हैं? मेल पे ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप इस चीज को न्यूज़पेपर में क्यों देना चाहते हैं? प्रोडक्ट की कास्ट तो बहुत ज्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। प्रोडक्ट की कॉस्ट 100-125 रुपए होगी, ज्यादा ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो खाके मेरे बच्चे, ट्विंस बेबी है मेरे 14 महीने के, अगर वो बीमार हो जाते तो उसका जवाबदार कौन होता? आप ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी इस बात में पॉइंट है और ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इस तरह के प्रोडक्ट अगर कंपनीज बेचती हैं, और खासकर वो लोग जो मतलब जिनके पास कम पैसे हैं और काफी रिस्क लेके उन लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट खरीदा, बच्चों को दिया, तो बच्चे भी सोचेंगे चलो मिला है तो खा लेते हैं, वो ध्यान नहीं देंगे, कंप्लेन भी नहीं करेंगे और तबीयत खराब करेंगे। इतने छोटे उनको मालूम ही नहीं कि वो अच्छी चीज खा रहे हैं खराब हो गई है। एग्जैक्टली, अगर कम उम्र है तो इतना तो बच्चों में होता नहीं है, और जनरली पेरेंट्स तो दे दिए प्रोडक्ट लाके और बच्चे अलग जाके बैठ के खा रहे हैं। तो मेरा द खबरदार न्यूज चैनल है, मैं एक NRI हूँ, बाहर जॉब करता हूँ। मैंने पोस्ट देखा आपकी तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है कि ईमानदार मीडिया नहीं है, ईमानदार न्यूज मीडिया है, लेकिन बहुत बड़े नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपकी न्यूज को मैं चलाता हूँ, आपने तो प्रोडक्ट की फोटोज वीडियो सब कुछ भेज दिया है, इसके साथ में आपने कंज्यूमर कोर्ट में कुछ एप्लीकेशन वगैरह किया क्या?
सर इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, मैं अभी तक तो नहीं गया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं है, बट मेरे कुछ सलाहकारों ने बोला है कि क्यों नहीं लगा रहे हो आप, लगाना चाहिए सर। लगाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये समाज की बात है। जी। इस तरह के प्रोडक्ट्स किसी भी कंपनी को बेचने का अधिकार नहीं है।